अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। एक नई सहरी का आगाज़ वो भी अपनी छोटी सी यूट्यूब फैमिली के साथ। अभी मैं सहरी के लिए उठी थी और ये तकरीबन कोई 4 बजे का टाइम था और अम्मी ने बस फटाफट जगा दिया। सारी सहरी जब मैं बना चुकी थी, मैं कहती हूँ उठो अब सहरी कर लो, उसके बाद फिर रोज़ा बंद हो जाएगा। मैं वह वाहिद बंदी हूँ कि सहरी और अफ्तारी में रोटी नहीं खाती हूँ, और लोग कहते हैं कि रोटी से ही तो ताकत आती है। बस मैंने सहरी कर ली थी, अभी मैं सोने लगी थी और ये तकरीबन कोई सुबह 4:15 बजे का टाइम था। फिर मैंने कहा नमाज़ के लिए उठूँगी कोई 6 बजे, और बस अभी नमाज़ के लिए मैं उठी थी और बाहर निकली हूँ तो बहुत अच्छा मौसम हुआ हुआ था। और बस मैंने नमाज़ वगैरह पढ़ी, ये नमाज़ पढ़ने के बाद फिर दोबारा सो गई थी और ये कोई 9 बजे का टाइम था। अभी मैं कमरों की सफाइयाँ कर रही थी, झाड़ू पोंछा कर रही थी, क्योंकि बस आराम के बाद काम भी तो होता है ना, हर वक्त आराम आराम और बस आराम तो नहीं होता। तो मैंने कहा झाड़ू लगा लूँ, वैसे भी इतना ज़्यादा गंद हुआ था और पोछा लगा रही थी। और अगर सारी चीज़ें सिमटी हुई हों तो फिर झाड़ू लगाना और पोछा लगाना तो इजी होता है। बस कमरा वैसे सूख नहीं रहा था तो इतना नीट हुआ उससे, मैंने कहा चलो आपके लिए पंखा लगा दूँ। और ये कोई जहर का टाइम था, इस टाइम पर नमाज़ पढ़ी है। नमाज़ पढ़ने के बाद फिर मैंने मुर्गियों के लिए ये दाना पोंछा डाल दिया। मैंने कहा चलो आप लोगों को भी ये डाल दूँ, क्योंकि आपकी तो अफ्तारी होने लगी है अभी, आपने तो वैसे भी रोज़ा नहीं रखा हुआ है। और जब तक इन्हें कोई चीज़ डालो नहीं तो ये अलार्म तो बजाती रहती है, चाहे इन्हें बंद करके रखो चाहे ये बाहर निकली हुई हो। और मैंने इन्हें फटाफट से बस ये चारा झारा डाला, मैंने कहा ये खा लें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो बाहर ही चली गई थी। और बस मैंने सारी इफ्तारी बनाई थी, और ये थी जो प्लेट आपको नज़र आ रही है सैलड की, ये मेरी ही होती है, मैं यही खाती हूँ। बस इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं, पकौड़े तो मेरे लिए ठीक ही नहीं, बस चटनी डाल के ऊपर खा लेती हूँ, वैसे पकौड़े शिकौड़े नहीं। दिल तो मेरा चाहता है कि सारी चीज़ें खाऊं। यहाँ से फिर नेक्स्ट डे का व्लॉग शुरू हो गया यहाँ से फिर नेक्स्ट डे का व्लॉग शुरू हो गया था और ये तकरीबन कोई सुबह सहरी के टाइम था, 4 बजे का टाइम था। इस टाइम पर मैं उठी थी और मैंने सहरी की थी। आज मैंने अपने लिए थोड़ा सा सैलड बना लिया था, बस मैं वही खा रही थी। और बस उसके बाद ये कोई 11 बजे का टाइम था, इस टाइम पर मम्मी कहती हैं कि आज बनाएंगे मोंगरे। तो इस तरह के मोंगरे होते हैं, ये बेसिकली मूली होती है, मूली के ऊपर फल लग जाते हैं तो उसे जो बीज बनता है उसे कच्चा कच्चा तोड़ लें, बस वो पका लें तो वो मोंगरे होते हैं। अगर आपने इसे पकाना है मतलब ये पक जाए तो फिर बीज बन जाता है, अगर कच्चे कच्चे हों तो इसे पकाओ, बड़े मज़े के होते हैं। और नेक्स्ट आगे जा कर मैं आपको इसकी रेसिपी भी दूँगी, आप बताइएगा कि किस किसने ये खाई हुई है। और स्पेशल रमज़ान में खाओ तो इतने मज़े के होते हैं जैसे कि आप कीमा खा रहे हैं। और इसकी हिफाजत इतनी ही होती है जैसे कि आप कच्ची मूली को खाएं, क्योंकि ये भी कच्ची मूली की फसल है। और बस अभी मैं पोछा लगा रही थी, पोछा लगाने के बाद मैंने कहा कि और सारा काम करूँगी। वैसे भी जब तक पोछा ना लगाओ, कमरों की सफाई ना करो तो सफाई लगती नहीं है कि किसी ने सफाई की है। मैं तो सर करती हूँ कि और ये तकरीबन कोई असर का टाइम था, इस टाइम पर मैंने नमाज़ अदा की। नमाज़ पढ़ने के बाद फिर मैंने मोंगरे बनाए। अम्मी कहती हैं कि जल्दी से मोंगरे बना लो क्योंकि उसके बाद फिर टाइम नहीं होता, असर के बाद तो बिल्कुल टाइम रुकता ही नहीं है, हाथों हाथ ही जाता है। और इसके लिए यहाँ पर मैंने लिया है 1/2 कप कुकिंग ऑयल, अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसकी जगह घी भी डाल सकती हैं। और 1 टेबल स्पून यहाँ पर मैंने हरा लहसुन डाला है और 2-3 कटी हुई रेड मिर्चें इसमें डाली हैं जो आपको नज़र आ रही होंगी। आप समझ रहे होंगे ये टमाटर है, टमाटर नहीं है, मैंने रेड मिर्चें इसके अंदर डाली हैं। अगर आपके पास हैं तो आप डाल सकती हैं, वरना आप दाढ़ा मिर्च या कश्मीरी मिर्च भी यूज़ कर सकती हैं। और इसे थोड़ा सा गोल्डन निकालूंगी, बहुत ज़्यादा आपने इसे जलाना भी नहीं हो, बहुत ज़्यादा इसे गोल्डन नहीं करना। और अब इसके अंदर मैं प्याज ऐड कर दूँगी, प्याज यहाँ पर मैंने लिया है 1, और बस इसमें मैंने प्याज ऐड कर दिए हैं। प्याज को आपने बहुत ज़्यादा गोल्डन नहीं करना, बस जैसे ही नरम हो जाए, 5 सेकंड के बाद ये नरम हो जाएंगे तो इसमें मैं मज़ीद चीज़ें और ऐड करती जाऊंगी। तो आपने देखते जाना है कि किस तरह मैं कौन सी चीज़ ऐड करूंगी। यहाँ पर बस ऐसे मैंने 5 सेकंड के लिए कर लिए है गोल्डन, और अब मैं इसमें टमाटर ऐड कर दूंगी। टमाटर यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज़ का कट ओवर डाल दिया है, आपको अगर पसंद है क्यूब्स फॉर्म है तो आप इस तरह से भी डाल सकती हैं, वरना आप इसे ग्लेंडर में डालकर चॉप करके भी डाल सकती हैं। उससे ये होगा कि इसकी जो ग्रेवी होगी वो बड़ी थिक बनेगी और टमाटरों को आपने बहुत ज़्यादा पकाना भी नहीं पड़ेगा। अगर मेरी तरह आप क्यूब्स वाले टमाटर डाल रही हैं तो ये पकाना थोड़ा सा मुश्किल है और ये इतनी जल्दी पकते भी नहीं है। और अगर आपको लगे कि मसाला जल रहा है तो इसमें आपने बस थोड़ा सा पानी ऐड कर देना है, यानी 1/2 कप आपने पानी इसमें डाल देना है और इसकी अच्छे तरीके से भुनाई करनी है। मसाले की खूब अच्छे तरीके से भुनाई कर लूँगी। जब तक मसाला अच्छे तरीके से रेडी नहीं हो जाता, टमाटर इसमें अच्छे तरीके से पक नहीं जाता है, तब तक मैं इसमें कोई और चीज़, कोई और मसाला, कोई और इंग्रेडिएंट ऐड ही नहीं करूँगी, क्योंकि मसाले की भुनाई अच्छे तरीके से होगी ताकि उसमें एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। और तकरीबन 5 मिनट के बाद इसकी अच्छे तरीके से भुनाई हो चुकी है और टमाटर भी अच्छे तरीके से गल चुके हैं। 1 टेबल स्पून इसके अंदर मैंने हनी मसाला डाल दिया, अगर तो आपके पास है तो आप डाल सकती हैं, वरना आप इसे मिर्च भी कर सकती हैं और इसकी जगह पर आप हल्दी और दाल मिर्च भी डाल सकती हैं।
उससे भी इसका फ्लेवर बड़ा अच्छा आता है। हम लोग तो हांडी के लिए हांडी मसाला यूज़ करते हैं, आप बताइए कि आप कौन सा मसाला यूज़ करती हैं, कोई मसाला यूज़ करती हैं या नहीं। अक्सर लोगों को इसका जो फ्लेवर है वो पसंद नहीं है, लेकिन हम लोगों को तो इसके आदि हो चुके हैं, हमें तो ये अच्छा लगता है। बस मसाला थोड़ा सा जल रहा था, इसमें मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया ताकि मसाले की बुनाई भी अच्छी तरीके से हो जाए और ये जले भी नहीं। और बताइए कि रमज़ान किस तरह जा रहा है इस दफ़ा? तो रमज़ान इतने अच्छे मौसम में आया है कि टाइम का पता ही नहीं चलता, चुटकी मारो तो टाइम गुजर ही जाता है। और इसके अंदर मैंने हाफ़ टी स्पून हलवो डाल दिया है खोश धनिया पाउडर, अगर तो आपको पसंद है तो आप डाल सकती हैं, वरना जो हांडी मसाला मैंने ऐड किया है इसमें सारी चीज़ें सारे इन्ग्रीडियंट्स पूरे थे, लेकिन मैं कहती हूँ कि नहीं थोड़ा सा स्पाइसी और थोड़ा सा चटपटा भी तो होना चाहिए ना, उसके लिए मैंने ये डाल दिया है। और हरे धनिए का या खुरश धनिया हो उसका अपना ही एक मज़ा होता है। और टाइम का वैसे पता चलता है, लेकिन अगर सो जाओ ना फिर टाइम का बिल्कुल पता ही नहीं चलता है, लेकिन काम में गुजार दो उस तरह भी नहीं पता चलता है, लेकिन फारग बैठे रहो फिर टाइम का गुजारा ही पता चलता है। कहते हैं कि बड़ी बोरियत हो रही है, टाइम नहीं गुजर है। और मसाली किस तरीके से बुनाई करने के बाद इसमें मैंने क्यूब के फॉर्म में कटे हुए आलू डाल दिए हैं। आलू मैंने तकरीबन 3 से 4 मीडियम साइज़ के लिए थे, उन मैंने क्यूब्स के फॉर्म में काट लिया था। अब इसके अंदर मैं मोंगरे ऐड कर दूँगी, और मोंगरों को मैंने काटा शाटा नहीं, इन्हें कोई काटता है वैसे भी नहीं है, और अब मैं इसमें वो ऐड कर दूँगी। आप जब कभी भी मोंगरे बना रही हैं तो आपने इसे सुबह नाश्ते में सर्व करना है या आपने इसे पराठे के साथ खाना है, क्योंकि इसका जो जायका है ना पराठों के साथ वो बड़े मज़े का आता है। और अगर आप इसे सहरी में खा लें तो फिर तो सोने पे सुहागा, क्योंकि इससे प्यास भी नहीं लगती है। कच्ची सब्ज़ी खाएं या दूध दही इस तरह की जो ठंडी चीज़ें होती हैं वो खाएँ ना, तो उसकी जो तासीर होती है उससे प्यास बिल्कुल फील नहीं होती है। और मैं जब जिस टाइम रोज़ा होता है बंद होने वाला होता है उस टाइम पर मैं इस तरह करती हूँ कि 3 से 4 खजूरें लेती हूँ या 1-2 जरूर लेना, क्योंकि ये हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी सुन्नत है कि वो ये खाते थे, मतलब जिस टाइम रोज़ा बंद करते हैं उस टाइम पे 1 या 2 खजूरें खाते हैं। तो आप लोग भी खा सकते हैं, इससे प्यास बिल्कुल लगती ही नहीं है, चाहे गर्मियाँ हो सर्दियाँ हो आपको रोज़े का पता ही नहीं चलेगा मतलब मुझे भूख लगी है प्यास लगी है। इसके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया ताकि ये मोंगरे अच्छे तरीके से पक जाए और मसाला जले नहीं, और इसे मैं कवर कर दूँगी ताकि ये अच्छे तरीके से पक जाए। और आपने इसे बहुत ज़्यादा मलीदा बनाना नहीं है, जैसे वो अक्सर बनाते हैं ना लोग बिल्कुल ही उसका भरता निकाल देते हैं, वैसे नहीं, ये खड़ी खड़ी रखना है इसे, आलुओं को भी और इसे भी मोंगरों को भी। और बस मैंने हाथ में ट्राईपॉड पकड़ा हुआ था, उसका एक बाजू या टांग समझ ले वो नज़र आ रही थी, और इसे मैंने तकरीबन 15-20 मिनट के लिए कवर करके रख दिया था, और इसे मैंने चेक कर लिया क्योंकि इसका कलर भी चेंज हो चुका है और आलू भी अच्छे तरीके से पक चुके हैं और मोंगरे भी। तो ये वाली रेसिपी आपने ज़रूर ज़रूर ट्राई करनी है मेरी फरमाइश पर। और अगर आपके यहाँ बताइएगा कि मिलते हैं या नहीं, आप तभी तो ये ट्राई कर सकते हैं, अगर नहीं मिलते हैं तो फिर मैं आपको कुछ नहीं कह सकती। इसे मैंने कवर कर दिया है, 1 टीस्पून इसके अंदर मैंने गरम मसाला डाल दिया है कुटा हुआ। अभी मैं जा रही थी क्योंकि अफ्तारी के लिए थोड़ा सा ही टाइम रह गया था और आपको धूप ही नज़र आ रही है, बस कमरे में गई हूँ, मैंने कहा चलो बाकी चीज़ें सारी निकाल के ले आऊँ, फिर ये नहीं कि एक एक चीज़ के लिए बंदा भागता रहे। सारी चीज़ें मैं ले आई थी, अभी मैं इन्हें ठीक तरह से रख रही थी। अम्मी कहती हैं कि पकौड़ मैं बना लूँगी, रोटी वैसे मैंने बना ली है और जाओ अपने लिए शेक बना लो, बस मैं अभी अपने लिए शेक बनाऊँगी। मैं सुबह सहरी में भी ये वाला शेक पीती हूँ और इस टाइम पर भी मतलब अफ्तारी के टाइम पर भी ये पीती हूँ, और बस ये बना लूँगी। इसके बाद इतना ज़्यादा काम था कि आज मेरी जो अफ्तारी है ना वो मैंने भागम दौड़ में की है, और बस इसके अंदर थोड़ी सी चीनी ऐड करूँगी। एक मैंने इसके अंदर बनाना डाला है और 1 कप मैंने इसके अंदर दूध डाला है, और बस इसे अच्छे तरीके से शेक कर लूँगी। और अम्मी कहती हैं ये चीज़ ले आओ वो चीज़ ले आओ, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि शाम के टाइम तो कहते हैं खैर अभी टाइम है ना थोड़ा सा मतलब रेस्ट कर ले, लेकिन रेस्ट करते करते टाइम मैंने कहा गुजर ही जाता है। अभी मैं आई थी तो अम्मी कहती है चलो फटाफट से दुआ मांगो और रोज़ा अफ्तार करो। मैं आपके साथ मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।